अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोबॉक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसोनेंट एच के बारे में, जिसको हम हे बोलते हैं। कंसोनेंट एच, ठीक है जी। जो हमारे पास हे है, इसकी हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, टू फॉर्म्स हैं हमारे पास हे की। एक को बोलते हैं जी अपवर्ड, अपवर्ड फॉर्म, और दूसरी जो है वो है हमारे पास डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फॉर्म, ठीक है जी, डाउनवर्ड फॉर्म। अच्छा जी, अपवर्ड फॉर्म किस तरह की है? देखें जी, अपवर्ड फॉर्म ये है, इस तरह से आपने हे लिखना है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ से आपने रोटेट करना है क्लॉकवाइज और फिर इस तरह से अपवर्ड फॉर्म। अच्छा, डाउनवर्ड फॉर्म किस तरह से है? डाउनवर्ड फॉर्म इस तरह से है, ठीक है जी। इसको दोबारा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इस तरह से है, यानी यहाँ आपने जो है इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना है और इस तरह से, ठीक है जी। अब जो है ये आ गई हमारे पास हे की टू फॉर्म्स, हे, ठीक है जी। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि किस जगह पर हमने अपवर्ड है यूज़ करना है और किस जगह पर हमने डाउनवर्ड है यूज़ करना है, ठीक है जी। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। प्रिंसिपल्स जी, पहला प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले जो है वो हम जो है वो डाउनवर्ड की बात कर लेते हैं। डाउनवर्ड है कहाँ यूज करेगा? व्हेन व्हेन एच या है इज फॉलोड 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 बाय, जब हे फॉलो कर रहा होगा बाय, इसको फॉलो कर रहा होगा के एंड गे, के गे को फॉलो कर रहा होगा और हे इज द ओनली कंसोनेंट, या है सिर्फ अकेला ही कंसोनेंट हो, हे के अलावा दूसरा कंसोनेंट ना हो, ठीक है। दूसरी बात को सबसे पहले देखते हैं, जैसे हे ही हमारे पास सिर्फ दूसरा कंसोनेंट है, जैसे ही हे सुगर लाइन और ये लॉन्ग ई के साथ। डाउनवर्ड फॉर्म क्यों यूज किए? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जो हे जो है वो सिंगल कंसोनेंट है, इसके साथ दूसरा कंसोनेंट नहीं है। जैसे वर्ड है हमारे पास हे, एच ए वाई हे, डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि सिंगल कंसोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड है हमारे पास हे, एच ए के ई हे, डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि फॉलो कर रहा है के को, हेग, ठीक है जी। लव्स है हमारे पास हेग, डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि फॉलो कर रहा है गे को, ठीक हो गया। के गे या सिंगल कंसोनेंट हे हो तो हमने डाउनवर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है जी। इसके अगेंस्ट जो है अपवर्ड कहाँ यूज होगा? व्हेन व्हेन हे फॉलो, जब हे फॉलोड करे, when he followed by p b t d f v, यानी he के बाद अगर p आ जाए, he के बाद अगर अगला कंसोनेंट p हो, तो आपने जो है वो p हो b हो t हो d हो f हो या v हो, यानी ऐसे कंसोनेंट जो टॉप टू बॉटम लिखे जाते हैं, तो उसमें हम अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है जी। जैसे हमारे पास वर्ड है जी हो, हो बेसलाइन हे पी हो, ठीक है जी। जैसे वर्ड है हमारे पास हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, कैसे लिखेंगे? हैप्पी वाई के साथ और ये शॉर्ट है हैप्पी, ठीक है जी। यानी पी बी, जैसे वर्ड है हमारे पास हॉबी, हॉबी ए बी वाई
नॉन एक्स होबी, ठीक हो गया। जैसे वर्ड है हमारे पास, अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, हैवी, एच ई ए वी वाई, देखें वी को फॉलो कर रहा है तो हमने अपवर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैवी, ठीक हो गया, अपवर्ड फॉर्म और ये वी के साथ हैवी, ठीक हो गया जी। जैसे वर्ड है हमारे पास हॉट, एच ओ टी हॉट, टी के साथ हॉट, ठीक है जी। जैसे जो है ये एग्जांपल आ गई हमारे पास जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का जो पहला प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या हुआ जी, हमने डाउनवर्ड कहाँ यूज करना है, जहाँ सिंगल कंसोनेंट हो या वो हे जो है वो फॉलो कर रहा हो के या गे को, ठीक है। और अपवर्ड फॉर्म कहाँ यूज करेंगे, अगर हे फॉलो कर रहा है पी बी टी डी एफ या वी को फॉलो कर रहा है तो हमने अपवर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक हो गया जी। तो दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें हमने देखनी है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किस लिहाज से, स्ट्रोक की शेप के लिहाज से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जी, दूसरा जो प्रिंसिपल है उसमें हमने कन्वीनियंस उसमें हमने देखनी है, ठीक है। अब ये देखें, जैसे एक मैं वर्ड देखता हूँ, जैसे है जी हायर, एच आई जी एच ई आर, हायर, ठीक है। अब इसको हम मैं दोनों फॉर्म्स के साथ आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखें अगर मैं इसको अपवर्ड फॉर्म के साथ पहले लिखता हूँ, ठीक है, अपवर्ड फॉर्म के साथ देखें, हायर में ये आई आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे हम इसको लिखेंगे हे, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर मैं आर मिला दूं तो आपका स्ट्रोक ऊपर दूसरी बेस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। सपोज अगर इसके साथ मैं डाउनवर्ड आर डालूं तो आपको यहाँ लिखकर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इशू है। अब इसको अगर मैं डाउनवर्ड फॉर्म के साथ लिखता हूँ इसी हायर को, अब देखें आपकी कैसी सिमेट्री बनेगी, हे ये डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड आर और ये आई का लाइन, देखें कंडीशन भी फुलफिल हो गई आपकी अबव द लाइन और स्ट्रोक की सिमेट्री भी देखें, स्ट्रोक की शेप कितनी प्यारी बनी है, ठीक है, हायर। अच्छा ऐसे ही एक और वर्ड हम जो है मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो जैसे हमारे पास है वर्ड जिस तरह से जो है एच आई जी एच हाईवे, ठीक है। अब इस वर्ड को भी मैं आपको दोनों के साथ ही लिखकर दिखाता हूँ। पहले मैं हम इसको लिखते हैं अपवर्ड हे के साथ, ठीक है जी, हाई और वे, ठीक है। अब इसमें देखें अगर हे को मैं अबव द लाइन लिखूं क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है, इसको दोबारा लिखते हैं हाई वे, स्ट्रोक आपका कहाँ जा रहा है, ठीक है, दूसरी जो बेस लाइन है उसको टच करेगा, ठीक है, तो ये शेप सही नहीं बन रही। अब इसको जो है डाउनवर्ड हे के साथ अगर हम लिखें हाई वे, और ये देखें कितनी प्यारी शेप बन गई है आपकी, कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो आपने कन्वीनियंस देखनी है कि जो है आपने डाउनवर्ड फॉर्म यूज करनी है या अपवर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। मोस्टली आपकी अपवर्ड फॉर्म यूज होती है कि डाउनवर्ड फॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक और मैंने अभी आपको बताया है प्रिंसिपल, जैसे जब भी आपके जैसे पी बी टी डी आ जाए, एफ आ जाए या वी आ जाए, इनके लिए आप जो है वो अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड फॉर्म जो है वो आपने कन्वीनियंस देखनी है कि जो है वो स्ट्रोक की सिमेट्री किस तरह की बन रही है, तो आपने फिर उसी फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा दो प्रिंसिपल हे के हवाले से जी। हे के हवाले से अब मैं आपको कुछ फ्रेजिंग बता देता हूँ कि फ्रेजिंग भी जो है वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रेजिंग जैसे अगर आपका वर्ड आ जाए आई होप, यानी हे अगर आ जाए आपका आई होप लिखना हो आपने, अगर आप इस तरह से आई लिख के पी डाल देंगे तो ये आई होप के लाएगा, ठीक हो गया, ये फ्रेजिंग है, ठीक है। फ्रेज बना के आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपका वर्ड आ जाए आई होप यू विल, आई होप यू विल, इसको कैसे लिखेंगे, आई ओ यू विल, ठीक हो गया, आई हो यू विल, आई हो, ठीक है, आ गया। इसी तरह से अगर वर्ड आपके पास आ जाए, जैसे वर्ड अगर आपके पास आ जाए जी वी हो, वी हो, इस तरह का वर्ड आया तो उसकी फ्रेजिंग कैसे बनाएंगे, देखेंगे वी हो, ये वी आ गया और ये पी आ गया, वी हो। अगर वर्ड आ जाए आपके पास वी हो
वी हो यू विल, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, वी हो यू विल, ठीक है। तो ये फ्रेजिंग भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर होप का वर्ड दरमियान में आ जाए, इस तरह से आप इसको फ्रेज बना के लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से और भी वर्ड है जो आप इजीली समझते हैं कि आप उनका फ्रेज बना सकते हैं, तो कोशिश करें फ्रेज बनाने की, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, अगर हे आपका अगर वर्ड के मिड में आ जाए, इफ हे इफ हे प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द कंसोनेंट, कंसोनेंट के मिडल में आ जाए, ठीक हो गया, तो फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, फिर आप जो है कि ये फॉर्म यूज करेंगे। देखें, ये आप डार्क जो है, डार्क डी, डी का अपर पोर्शन, डी देखें ऐसे होता है, डी डी का ये वाला पोर्शन काट देंगे और ये नीचे वाला डार्क पोर्शन रख देंगे, इसको ये वाली फॉर्म आप यूज करेंगे। जैसे अगर वर्ड आता है इफ ही, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखें इफ की शॉर्ट फॉर्म है एफ थ्रू द लाइन और ये इफ ही, ठीक हो गया। अगर यही वर्ड अगर मैं इसको कर दूं इफ ही विल, इस तरह से मैं लिख दूं, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, इफ ही विल, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने यूज, इसी तरह से ही विल, ही विल, ही विल, ठीक हो गया जी। तो ये था ऑल अबाउट हे के बारे में, इसके प्रिंसिपल को आप अपने जहन में रखें, ठीक है। चंद एक प्रिंसिपल्स हैं, तो जहां आपको कन्वीनियंस लगे, जहां आपके टॉप टू बॉटम अप स्ट्रोक्स हैं ऊपर से नीचे, तो उसमें आपने अपर फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, और अगर जो है आपका सिंगल कंसोनेंट है और या के या गे को फॉलो कर रहा है, तो आपने जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक हो गया जी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।